गुड मॉर्निंग बच्चों, हम गोपाल सर आपके बीच श्री क्लासेस। पिछले वीडियो में आप लोग को ध्यान होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज ये खत्म होने जा रहा है प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज का प्रूफ बताए थे कल। एक क्वेश्चन का पांच कंडीशन था, सब लिखा हुआ भी होगा आपको, बनाए भी होंगे, हम बोले थे बनाने के लिए। अब है क्या उसके आगे का, तो प्रॉपर्टीज में नहीं है, कंडीशन को ज्यादातर जो है जिस पे सवाल बनता है उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। सब कंडीशन को एक एक करके रटना संभव नहीं है। कंडीशन समझ रहे हैं, वो एक्स का मान वाई का मान, उसको रटना संभव नहीं है। हम उसी में आगे बढ़ते हैं जिस प्रॉपर्टीज को लेकर के। आप देखे थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कल बताए थे, आज है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। जरा सा ध्यान दोगे अगर बच्चों, यह होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स इंटू, कैसे प्रूफ होता है जरा सा इसको देखा जाए। लेट टेन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा टेन ए। टेन इनवर्स वाई को बी मानेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा टेन बी। टेन इनवर्स एक्स ए तो एक्स बराबर टेन ए, टेन इनवर्स वाई है बी तो वाई बराबर टेन बी। तो क्या है यहां, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स, इसका मतलब ए माइनस इसकी जगह ए इसकी जगह, दायां तरफ हमको क्या लाना है, तो टेन इनवर्स लाना है बच्चों, तो यहां टेन लगा देते हैं, ठीक ना। टेन लगाने से क्या हुआ, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बटा वन माइनस वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिगो में है, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है बच्चों। टेन ए क्या है, टेन ए है एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, नाउ टेन ए माइनस बी बराबर ये हो गया एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स इंटू वाई। अगर अब ए माइनस बी ये जो है इज इन प्रिंसिपल इंटरवल ऑफ टेन हो, ए माइनस बी किस में हो, प्रिंसिपल इंटरवल ऑफ टेन, टेन के अगर प्रिंसिपल इंटरवल में हो, टेन का प्रिंसिपल इंटरवल माइनस पाई बटा टू से पाई बटा टू अगर उसमें हो, इसीलिए कंडीशन लिखा था, कंडीशन लिख देंगे। अगर प्रिंसिपल इंटरवल में हो तो ए माइनस बी बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस, ये टेन उधर चला गया, ए किसको माने थे, टेन इनवर्स एक्स, बी क्या कहे, टेन इनवर्स बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यही तो प्रूफ। अब रहा इस पे कंडीशन का बात, पहले इसको लिख लीजिए तब कंडीशन लिख देंगे।
जल्दी से लिख लो बच्चों सब कोई। पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों वीडियो। हाँ, अब है क्या कंडीशन क्या होता है बच्चों देखना। ज्यादातर यही वाला रहता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, कहाँ इफ एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन माइनस वन। एक्स इंटू वाई का मान किससे बड़ा होना चाहिए? माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा होता है पाई प्लस टेन इनवर्स, पाई प्लस लगा, ये कब लगा? इसके लिए कंडीशन है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो, एंड यहां क्या था एक्स वाई लेस देन माइनस, वहां था ग्रेटर देन माइनस वन, यहां है एक्स वाई लेस देन माइनस। और अगला है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, ये कब है बच्चों? अगर x लेस देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, इसको पलट लो, एंड एक्स वाई लेस देन माइनस, ये है अगला। जैसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लिखे थे बच्चों, वैसे ही टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y पर सवाल है। आप इसको जरा सा देखिए, इसको लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, और फिर वही पांच कंडीशन पे प्रूफ होगा, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि इसको ध्यान रखो, बना लेना है, ठीक है ना। अधिकतर ये यूज होने वाला है। कौन सा यूज होने वाला है? पाई प्लस माइनस क्यों किए? प्लस माइनस किए सिर्फ प्रिंसिपल इंटरवल में लाने के लिए, ठीक है ना। प्रूफ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जो शुरू का प्रूफ कहे बस उतने रहेगा। जरा सा इसको लिख लो बच्चों। तो माइनस का हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो गया ना। अब है देख लेना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन को जोड़ना है, भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, प्रूफ कर देंगे। साइन इनवर्स, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट वन माइनस। इसके लिए कंडीशन है पहला की माइनस वन से बड़ा x कोमा y से बड़ा वन, माइनस वन से बड़ा x कोमा मान एक्स वाई का मान माइनस वन और वन के बीच होना चाहिए,
ये कंडीशन है बच्चों, एक प्लस भी होगा पाई, एक माइनस। कैसे होता है पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ देखना सिंपल है, भारी एकदम नहीं है। लेट साइन इनवर्स एक्स को ए कहेंगे, एक्स बराबर क्या होगा साइन ए, साइन इनवर्स वाई को बी कहेंगे, वाई बराबर क्या होगा साइन बी, एक्स को ए, एक्स बराबर साइन है, साइन इनवर्स वाई को बी, तो वाई बराबर बना क्या अपना ए प्लस बी, ए प्लस हुआ ना, लगा दो साइन आगे में, कहोगे काहे साइन लगाए, चूंकि इधर साइन इनवर्स ना प्रूफ करना है। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है या नहीं होता है। साइन ए कितना है एक्स, कॉस बी कितना है वन माइनस वाई स्क्वायर। कहोगे ये कैसे सर, अरे साइन बी वाई है, कॉस बी बराबर फॉर्मूला तुम पढ़े होगे, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, तो वन माइनस वाई स्क्वायर। साइन ए है तो कॉस ए अगर जरूरत पड़ेगा हमको, फॉर्मूला तुम नहीं पढ़े हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बोल रहा हूं ना, कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स, कॉस ए हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी हो गया वाई, देखो ना साइन बी हो गया वाई, और कॉस ए हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स, बस कर दो। अगर अब हम लिखेंगे ये हो गया साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी अगर प्रिंसिपल इंटरवल में होगा, किसका प्रिंसिपल इंटरवल, साइन का प्रिंसिपल इंटरवल, तब हम लोग लिख सकते हो, कहिएगा क्या ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर उधर चल गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ए कौन है साइन इनवर्स एक्स, बी कौन है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस, ये हो जाएगा बच्चों आंसर। और क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, इस ढंग से बनता है, ऐसे ही बनता है, ये प्रूफ हो गया। अब कंडीशन जो है वो अलग करते रहेंगे, लेकिन सिंपल जो है ये फॉर्मूला पे बनेगा। जरा सा इसको अच्छे से लिखो, तब फिर और कंडीशन पर बता देंगे।
लिख लिया होंगे बच्चों। इस पर भी जरा सा बच्चों देख लो, तीन कंडीशन जैसे टेन में था ना वैसे, लेकिन जरूरत बनाने में यही पड़ेगा आपको, एको को सवाल इससे बाहर नहीं जाए, लेकिन बाय प्रॉपर्टीज है, ध्यान रख लेना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, एक तो सीधे साइन इनवर्स एक्स जो लिखे हैं प्रूफ किए हैं, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये कब होता है कंडीशन, ये तो देखे जब आप लोग के माइनस वन से बड़ा एक्स कोमा वाई से बड़ा वन, एंड एक और सवाल जोड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लेस देन माइनस लेस देन वन होना, या एक्स वाई लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन होना चाहिए। एक ही कंडीशन है ये और ये, कंडीशन को बार बार एक्स वाई का मान जीरो से छोटा तभी न होगा जब एक का मान पॉजिटिव एक का मान निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तभी इन दोनों का गुणनफल निगेटिव होने वाला है। एक पहला कंडीशन है बच्चों। इसके बाद दूसरा कंडीशन है पाई माइनस साइन इनवर्स जो है वही प्लस, एक ये कंडीशन है। इसके लिए क्या कहना है इसका, कि जीरो से बड़ा एक्स कोमा वाई से बराबर, माने एक्स और वाई का मान जीरो और वन के बीच में होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान एक से बड़ा होना चाहिए। अब सोचो जीरो से वाई एक्स वाई का मान एक से कम है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान एक से बड़ा है, और एक है अगला कि माइनस पाई माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये है जब माइनस वन से जीरो और के बीच में हो, एंड एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान एक से बड़ा हो। ये तीन कंडीशन, एक या तो पाई प्लस होता है या एगो माइनस पाई, यहां माइनस में है पाई माइनस माइनस पाई माइनस, और एक सीधे साइन इनवर्स, इस सब को रटना संभव नहीं है। ये तो एज ए थ्योरी हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को ध्यान रख करके, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा बस इसी से आपके लेवल, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जहां जहां क्वेश्चन होगा आपको दिखाएंगे भी, इस पे बन जाए, इसीलिए आज इस प्रॉपर्टीज को देख लिया जाए, कल से सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। प्रूफ कैसे किए देखवे किए आप लोग, जरा सा देखे ना इसको, इसी में ये तीन कंडीशन काहे पाई जुटा माइनस पाई जुटा प्रिंसिपल इंटरवल में लाने के, ठीक है ना। जरा सा इसको लिख लीजिए बच्चों, लिख लो
देखते हैं बच्चों, अगर छूट जाए तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो तुम लोग। अब इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स हुआ बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये प्लस का है ये माइनस, पहले प्रूफ कर देते हैं तब फिर लिखेंगे। ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस, ठीक है ना बच्चों। कैसे प्रूफ होता है उसको देख लेते हैं तब कंडीशन लिख देंगे। प्रूफ में लेट साइन इनवर्स एक्स को ए कहेंगे, एक्स बराबर साइन ए, साइन इनवर्स वाई को बी कहेंगे, तो वाई बराबर साइन बी, नहीं एक्स बराबर साइन ए वाई बराबर, ये हुआ अपना ए माइनस बी, ए माइनस इधर क्या है साइन इनवर्स ना, साइन लिखते हैं बोलो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला याद है साइन ए माइनस बी का, साइन ए बोलो कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस लग जाता है खाली। साइन ए कितना है तो एक्स है, कॉस बी कितना है तो साइन बी वाई है रे, तो कॉस बी नहीं निकाल पाएंगे, अंडर रूट वन माइनस, हाँ हो जाए वन माइनस वाई, कॉस ए भी इसी से निकाल लेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या साइन ए है एक्स साइन स्क्वायर ए, वन साइन ए हो जाएगा एक्स, कॉस बी अंडर रूट वन माइनस वाई, कॉस ए हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी हो गया वाई। ये किसका हुआ तो साइन ए माइनस बी बराबर इतना। अब तुम समझा दो ए माइनस बी बराबर नहीं लिख सकते हैं, ए माइनस बी अगर प्रिंसिपल इंटरवल में हो लिख देंगे, ए माइनस बी इज इन प्रिंसिपल इंटरवल ऑफ साइन, ए माइनस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए किसको माने थे, ए माने हैं साइन इनवर्स एक्स, बी किसको माने हैं साइन इनवर्स वाई को, बराबर साइन इनवर्स माइनस वाई अंडर रूट हो गए, यही ठीक है और इसी से चलेगा बनेगा। इसमें भी तीन कंडीशन आएगा इसी से, लेकिन प्रूफ कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया हो, बस सिंपल फॉर्मूला पे बैठाना है लिख देना है, कंडीशन तो लिख देंगे। पहले जरा सा इसको लिखिए मेरे प्यारे बच्चों,
हो गया। इसको सिर्फ लिखना है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला था। तो माइनस प्लस में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ चिन्ह का अंतर। यहां प्लस है तो उसमें माइनस कर देंगे, ना यहां भी प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं। यहां प्लस है देखो ना, यहां माइनस है ना, आ यहां भी प्लस की जगह माइनस कर दो, सेम है, मैंने रटने में आसानी दिक्कत नहीं होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी में सिर्फ अंतर है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए। आप जरा सा इसको लिखिए, तब हम इसी में प्रॉपर्टीज लिख देंगे। प्लस वाला तो आप लोग लिख ही चुके हैं, माइनस वाले का भी लिख देते हैं। जरा सा लिखो बच्चों जल्दी। हो गया होगा। अब इसको, इस प्रॉपर्टीज को नजर दीजिए, ध्यान दीजिए जरा सा बच्चों। यहां माइनस करना है, एकदम आसानी, कंडीशन भी याद रखने में दिक्कत नहीं हो। ये हो जाता है माइनस, कंडीशन सेम रहेगा पहला का, जो उसमें था प्लस में वही माइनस, सेम कंडीशन, इसलिए रटने का भी दिक्कत नहीं होगा कि एक्स वाई का मान माइनस एक से एक के बीच में, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान एक से कम, या एक्स वाई का मान जीरो से छोटा लेकिन एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान एक से बड़ा, ठीक है। ये भी होगा पाई माइनस, यहां प्लस है तो यहां तो माइनस हो जाए, क्या है माइनस है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज होता है, ये चेंज होगा बात, कहेगा कि एक्स का मान जीरो से वन के बीच में और वाई का मान माइनस वन से बड़ा, वाई से बड़ा जीरो, वाई का मान माइनस एक और जीरो के बीच में, एक्स का मान माइनस जीरो से एक के बीच में, वाई का मान माइनस एक से जीरो के बीच। इसमें जो है यहां सिर्फ फिर माइनस लगेगा, और इसको चेंज कर दीजिए, उधर वाला सेम रहेगा, क्या चेंज, कि एक्स का मान माइनस एक से जीरो के बीच में, वाई का मान जीरो से एक के बीच, वाई का मान किसके बीच में, जीरो से एक के बीच। देख लो, एक्स का मान माइनस वन से जीरो के बीच में, y का मान 0 से 1 के बीच में, x का मान इसका जो है वो यहाँ y का, यहाँ जो y का है वो यहाँ, यहाँ क्या हो जाता है माइनस पाई माइनस, मैंने जो प्लस का याद रखेगा बच्चा उसको माइनस का भी याद रखेगा, कंडीशन जो ऐसा भी हो सेम कंडीशन है, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये अंतर है, ठीक है ना बच्चों। जरा सा इसको लिख लीजिए, इस कंडीशन को भी, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में भी तीन कंडीशन है, लेकिन ज्यादातर मोर यूजफुल कौन, इससे ज्यादा आप पे सवाल नहीं रहेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हुआ, अब कॉस का है बच्चों,
लिख लिए? ये हो गया इनवर्स ट्रिगो, इसीलिए ना अच्छा है इनवर्स ट्रिगो, इसी के लिए यहाँ कंडीशन जो देखते हो ना, इसीलिए भारी हो जाता है, फंस जाता है बच्चा। कंडीशन पे विशेष रटने का ध्यान देना ही नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे उसमें देखना है प्रिंसिपल इंटरवल में है कि नहीं है, डोमेन में है कि नहीं है, यही चीज देखना है। देखिए अब यहाँ है मात्र लास्ट बच्चों दो गो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको प्रूफ करते हैं, कंडीशन लिख देंगे। इनका कहना है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, कॉस ए कॉस बी, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। कैसे तो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं प्रूफ करके। ये फॉर्मूला याद है ना, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये ट्रिगो का है, जरूर याद होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा। और कहीं पड़ेगा अगर कॉस ए माइनस बी, ये होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। अब यहां एल एच एस लो, लेट कॉस इनवर्स एक्स को ए कहेंगे, एक्स बराबर कॉस ए, कॉस इनवर्स एक्स को ए कहेंगे तो एक्स बराबर कॉस ए के, कॉस इनवर्स वाई को बी कहेंगे तो वाई बराबर कॉस बी ना, कॉस ए अगर एक्स हो गया तो साइन ए भी तुम लिख दोगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी वाई है तो साइन बी वन माइनस कॉस स्क्वायर बी वन माइनस वाई स्क्वायर, बोल रहा ना। अब है एल एच एस में क्या, अपना एल एच एस में है कॉस इनवर्स एक्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये है कॉस इनवर्स एक्स को ए कहेंगे, कॉस इनवर्स वाई को बी कहेंगे ना, दायां तरफ क्या है लाना हमको, कॉस इनवर्स ना, यहां कॉस लगा दो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, इसीलिए लिखे हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कितना एक्स, कॉस बी कितना वाई माइनस साइन ए कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, हाँ साइन बी कितना वन माइनस वाई स्क्वायर का रूट। देखो तुम्हारा काम हो गया, कॉस ए प्लस बी अगर इतना है, ए प्लस बी इज इन प्रिंसिपल इंटरवल ऑफ कॉस, कॉस का प्रिंसिपल इंटरवल में हो, ए प्लस बी बराबर एक्स इंटू वाई माइनस, नहीं हो गया, हो गया, ए कौन है, ए है कॉस इनवर्स एक्स, बी कौन है,
ये हो जाएगा प्रूव्ड। अब रहा कंडीशन, है ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स, बी की जगह कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, हो गया आंसर। तो ये है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। इसमें दो कंडीशन, जैसे उसमें तीन होता था ना, इसमें दो होता है। जरा सा इसको लिखो पहले बच्चों, इसको लिखिए सब कोई। लिख लिए देख लो जरा सा क्या प्रॉपर्टीज है कंडीशन के साथ। कॉस इनवर्स एक्स जगह है इसीलिए लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या कहता है देखो, ये कहता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस जो है लिखे, यही नहीं लिखे हुए कंडीशन क्या है, माइनस एक से बड़ा एक्स कोमा वाई से बड़ा वन एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो होना। x जोर y का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, इक्वल टू लगा दो कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स जो है वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस, इसके लिए कंडीशन क्या है कि माइनस एक से बड़ा एक्स कोमा वाई एंड x प्लस वाई लेस देन जीरो, बहुत अंतर नहीं है। x प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो में तो सीधे हो जाता है ना, x प्लस वाई अगर लेस देन जीरो होगा ध्यान देना तो 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स जो है वही रह जाएगा। ये है आपका प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। दो मिनट लगेगा, इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक बचता है माइनस वाला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स, बस ये खत्म हो जाएगा। तब फिर कल से क्वेश्चन और अगले ढंग का प्रॉपर्टीज सिंपल है। यही जो चीज था ना थोड़ा सा भारी जैसा लगता है बच्चों को, लेकिन इस पर सवाल हम लोग बहुत बन पाएंगे, आप देखिएगा। एक जगह पे ये हो गया इसीलिए आज लिखते चले गए, नहीं तब पता नहीं चलता, नहीं होता एक साथ, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिख देते हैं तुम्हारे लिए, अगला आगे का प्रॉपर्टी चलिए बड़ा करके लिख देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, प्लस था माइनस, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर,
अंडर रूट वन माइनस वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, कैसे होगा इसका प्रूफ करते हैं। हटाते तुम कर लोगे जैसा ही किए ना वैसे ही कर सकते हैं दूसरा भी, तुमको अब नहीं दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं। पहला जो प्लस वाला किया तो माइनस वाला भी कर सकते हैं। क्या कहेगा, लेट कॉस इनवर्स एक्स को ए, तो एक्स बराबर कॉस ए, कॉस इनवर्स एक्स को ए तो एक्स बराबर कॉस ए, कॉस इनवर्स वाई को बी तो वाई इज इक्वल टू कॉस बी ना, ये हो जाएगा क्या LHS है कॉस इनवर्स एक्स माइनस न बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स है ए कॉस इनवर्स वाई है बी, हमको कॉस का फॉर्मूला लेना है उधर, यहाँ कॉस लगा दें क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, बोल फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोई घबराना नहीं है, कॉस ए एक्स कॉस बी वाई, साइन ए तुम लिख सकते हो ना वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बी वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, हो गया अब क्या, कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, नहीं हो गया, ए कौन है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई हाँ, इसी को प्रूव्ड नहीं कहेंगे, बोलो बच्चों यही ना हो गया, ये जो दोनों फॉर्मूला लिखे थे आपको इसी फॉर्मूला, बार बड़ा है समझे ना, लेकिन है एक जैसा, जैसे प्लस में हो रहा था वैसे ही माइनस में भी हो रहा है, बहुत भारी चीज नहीं है, लेकिन एक बार दो बार जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक नहीं होगा, ई की हमारे बनाने से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटा जाएगा, जरा सा इसको लिखिए, इसका प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, इसका प्रॉपर्टीज अगर लिख दें बच्चों आपको आसान है, इसमें क्या कहा कंडीशन देखोगे तो तुमको लगेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, पहला कंडीशन है कॉस इनवर्स एकदम सीधा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस, समझे ना, इसमें क्या कहता है कंडीशन, माइनस वन से बड़ा एक्स को वाई से बड़ा वन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स का मान वाई से बड़ा या बराबर लिख लीजिए, ठीक है ना बच्चों, एंड एक होता है माइनस कॉस इनवर्स, यहां प्लस इसमें माइनस एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कंडीशन क्या होता है कि माइनस एक से बड़ा वाई से बड़ा जीरो एंड जीरो से बड़ा एक्स से बड़ा वन एंड
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यहां सर यहां लेस देन होता है, वहां लेस देन, इसमें ग्रेटर देन होता है। एक्स का मान लेस देन वाई, यहां एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये कंडीशन है इसमें। कॉस इनवर्स एक्स माइनस, याद किसको रखना है इसको, इस बहुत ज्यादा नहीं रहता है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कैसे प्रूफ हुआ आप देख चुके, ये सारा का सारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और फिर इस सब का माइनस में। दो मिनट आप इसको लिखिए जरा सा अच्छे से बच्चों। लिए तो बच्चों ये था प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है आज वाला जो बताए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इस छॉप का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत सवाल रहेगा इस पर, उस समय अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो फिर भी बनेगा, डरना नहीं है। लेकिन आज का आपका वर्क है कि जो बताए इसको एक बार आप खुद से बनाइए, बना करके हमको दिखाइएगा, भेजिएगा। और थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जहां तक हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों, थैंक यू बच्चों।